उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रविवार को गोरखनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में सेवा अवतारी महायोगी गुरु गोरखनाथ, योगी राज गंभीरनाथ, युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और अपने पूज्य गुरु राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया। साथ ही रुद्राभिषेक कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और सुखमय जीवन की प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से मुलाकात कर उन्हें भी आशीर्वाद दिया। इसके अलावा सीएम योगी ने नन्हे मुन्ने बच्चों को गोदी में लेकर उन्हें प्यार जताया और चॉकलेट भी बांटी। अक्सर ये तस्वीर देखने को मिलती है कि योगी आदित्यनाथ बच्चों को देखकर उन्हें चॉकलेट देते हैं और गोदी में लेकर प्यार भी जताते हैं। बता दें कि सदियों से चली आ रही गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु और शिष्य की परंपरा का वाहक है। इस दिन शिष्य अपने गुरुओं को नमन करते हैं और उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में उपहार देते हैं, तो वहीं गुरु भी अपने शिष्य को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामना और आशीर्वाद देते हैं। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में यह दिन बेहद खास माना जाता है। परंपराओं और नाथ पंथ के मुताबिक सदियों से इस पीठ में गुरु पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। इस अवसर पर सभी को गुरु का महत्व बताया जाता है। मुख्यमंत्री योगी से पहले सभी नाथ योगियों ने इस परंपरा को पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ कायम रखा है। वहीं योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर होते हुए और तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी हर गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु का आशीर्वाद लेने और शिष्यों को आशीर्वाद देने के लिए गोरखनाथ मंदिर जरूर पहुंचते हैं। इस बार भी योगी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचे और सभी गुरुओं की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद लिया, साथ ही अपने शिष्यों को आशीर्वाद दिया। वहीं गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या के तीन कलसा मंदिर में भारी संख्या में लोगों ने महंत गिरीशपति त्रिपाठी से गुरु दीक्षा और आशीर्वाद लिया। बता दें कि महंत गिरीशपति त्रिपाठी अयोध्या के मेयर भी हैं। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं थीं और क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे, साथ ही गुरु पूर्णिमा की महिमा को लेकर हमारे संवाददाता ने महंत गिरीशपति त्रिपाठी से क्या कुछ खास बातचीत की, आप भी सुनिए। हमारे साथ अयोध्या के मेयर आज जुड़ेंगे गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अयोध्या में भव्य रूप से मनाई जा रही है। आज अयोध्या के समस्त मठ मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आए हैं। इस अवसर पर आज हम अयोध्या के मेयर जो कि महंत हैं, गुरु परंपरा विशिष्ट परंपरा से आते हैं और उनके लाखों करोड़ों भक्त हैं। विजुअल में आप लोग देख रहे होंगे कि भारी संख्या में श्रद्धालु उनसे आज आशीर्वाद लेने, गुरु दीक्षा लेने, अपने गुरु को अपनी श्रद्धा अर्पित करने आ रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं अयोध्या के मेयर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु पूर्णिमा पर्व की सबको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई आपके चैनल के माध्यम से। और यह एक हम लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति का विशेष पर्व है जिसमें अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेकर चतुर्मास की साधना में लोग प्रवृत्त होते हैं। और आज के दिन हम भगवान व्यास को भी याद करते हैं जिन्होंने हमारे पुराणों की निधि प्रदान की, वेदों को संगीताबद्ध किया और मानवता को ज्ञान का एक अद्भुत उपहार दिया। तो कुल मिला के आज उनको स्मरण करने का दिवस और अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने का दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको शुभकामना व्यक्त करता हूँ। सर, आप अयोध्या के मेयर, क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए, व्यवस्थाएं तो आप देख ही रहे हो, हम लोग लगातार श्रद्धालुओं के लिए पेयजल के लिए, प्रकाश के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए लगातार हमारी टीमें 24 घंटे कार्यरत रहती हैं और हम लोग करके दिखाते हैं। तो वह आने वाले यहाँ किसी श्रद्धालु को और अयोध्या रहने वाले किसी व्यक्ति को नगर निगम से संबंधित किसी सुविधाओं में कोई सुविधा नहीं होने दी। सर, सावन मेला भी शुरू है। सावन मेले के लिए हम लोगों ने व्यापक कार्य योजना बनाई है और आपको दिखाई पड़ेगा। तो आपने देखा हमारे साथ अयोध्या के मेयर गिरीशपति त्रिपाठी जी जुड़े थे जो विशिष्ट परंपरा से हैं, यहाँ के मेयर हैं और वहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु उनके दर्शन पूजन करने के लिए आज अयोध्या आ रहे हैं। आज अयोध्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। पहले तो श्रद्धालु सरयू स्नान कर रहे हैं, उसके बाद अपने गुरु मंदिरों मठों में जाके दर्शन पूजन कर रहे हैं। कैमरामैन कौलजीत के साथ मैं आनंद त्रिपाठी, अमृत विचार, अयोध्या।